सीधी जिले के थाना अमीलिया अंतर्गत ग्राम पहाड़ी से, जहां स्टोन माइंस के अवैध कारोबारियों पर सीधी खनिज इंस्पेक्टर राहुल सांडले ने नकेल कसते हुए बड़ी कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान खनिज इंस्पेक्टर द्वारा गिट्टी से लदा हुआ ट्रैक्टर को परिवहन करते ग्राम पहाड़ी में देखा गया, जहां ट्रैक्टर को पकड़ा गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को पकड़कर अमीलिया थाना लाया गया है और जब्ती पंचनामा की कार्यवाही की गई एवं ट्रैक्टर को पुलिस अभिरक्षा में थाना अमीलिया खड़ा कर दिया गया। खनिज अधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि आरटीओ वेबसाइट के आधार पर जब जांच की गई तो ट्रैक्टर मालिक रघुनाथ साहू पिता महादेव साहू ग्राम पहाड़ी वार्ड क्रमांक 13 वाहन क्रमांक MP53A6905 की पुष्टि हुई है। मामला ये है कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ये ट्रैक्टर हमें रास्ते में ग्राम पहाड़ी पे मिला जी। ट्रैक्टर क्रमांक MP53A6905 है, जिसमें गिट्टी के परिवहन के लिए आवश्यक ETP नहीं पाई गई थी, जिसे हम लोगों ने इसे जब्त करके थाना मिले के सुपुर्दगी में किया गया। ट्रैक्टर किन का बताया जा रहा है? ये ट्रैक्टर चालक वाहन चालक मौके से फरार हो गया, किंतु RTO की वेबसाइट से हम लोगों ने इसका मालिक का नाम श्री रघुनाथ साहू पिता श्री महादेव साहू वार्ड 13 ग्राम पहाड़ी ये पता किया है अभी हम लोगों ने RTO की वेबसाइट से। ठीक है, क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई होगी? कार्रवाई यही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या न्यायालय कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण भेजा जाएगा जी। सीधी जिले के थाना अमीलिया अंतर्गत ग्राम पहाड़ी से, जहां स्टोन माइंस के अवैध कारोबारियों पर सीधी खनिज इंस्पेक्टर राहुल सांडले ने नकेल कसते हुए बड़ी कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान खनिज इंस्पेक्टर द्वारा गिट्टी से लदा हुआ ट्रैक्टर को परिवहन करते ग्राम पहाड़ी में देखा गया, जहां ट्रैक्टर को पकड़ा गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को पकड़कर अमीलिया थाना लाया गया है और जब्ती पंचनामा की कार्यवाही की गई एवं ट्रैक्टर को पुलिस अभिरक्षा में थाना अमीलिया खड़ा कर दिया गया। खनिज अधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि RTO वेबसाइट के आधार पर जब जांच की गई तो ट्रैक्टर मालिक रघुनाथ साहू पिता महादेव साहू ग्राम पहाड़ी वार्ड क्रमांक 13 वाहन क्रमांक MP53A6905 की पुष्टि हुई है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिहावल से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के रिपोर्ट।